जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज की ये छोटी सी लघु कथा हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो आइए इस लघु कथा को सुनते हैं। तो एक बार की बात है, किसी तालाब में दो मेंढक रहा करते थे। उन दोनों मेंढक में से एक मेंढक छोटा था और एक मोटा था, यानी कि एक मोटा था और एक पतला था। एक दिन की बात है, सुबह सवेरे ही वो दोनों खाने की तलाश में निकल पड़े। अचानक वो दोनों एक दूध के बड़े बर्तन में जा गिरे। उस बर्तन के किनारे बहुत ही अधिक चिकने थे और इसी कारण से वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। दोनों काफी देर तक दूध में तैरते रहे। उन्हें लगा कि कोई इंसान आएगा और उनको वहां से निकाल देगा, लेकिन घंटों तक वहां कोई नहीं आया। अब तो उनकी जान निकली जा रही थी। मोटा मेंढक जो पैर चलाते चलाते थक चुका था, तो मोटा मेंढक बोला कि मेरे से अब तेरा नहीं जा रहा है और अब बचने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। पतले वाले ने उसे थोड़ा थोड़ा सा ढांढस बंधाते हुए कहा कि मित्र, कुछ देर और मेहनत से तैरते रहो, जरूर कुछ देर बाद कोई ना कोई हल निकलेगा, जरूर कोई ना कोई आएगा, हमारी मदद करेगा। तुम थोड़ी देर और तैरो, तैरते रहो। और इसी तरह से फिर कुछ घंटे और बीत गए। मोटे मेंढक को अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही। उसने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी और बोला, मित्र, मैं पूरी तरह से थक चुका हूं, मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं तैर सकता, तो मैं तो डूबने जा रहा हूं। दूसरे पतले मेंढक ने उसे बहुत रोका कि नहीं मित्र, डूबो मत, कोशिश करो, लगातार पैर चलाते रहो। लेकिन मोटा मेंढक अपनी जिंदगी से हार चुका था और खुद ही उसने तैरना छोड़ दिया और डूब कर मर गया। पतले मेंढक ने अभी तक हार नहीं मानी थी, वो लगातार लगातार पैर चला रहा था। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि ज्यादा देर दूध के मत जाने से उसका मक्खन बन चुका है और अब उसके पैरों के नीचे ठोस जगह हो चुकी है। उसी का सहारा लेकर मेंढक ने एक लंबी छलांग मारी और बाहर निकल आया और अंत में उसकी जान बच गई। अपने मित्र की मौत का उसे बड़ा दुख था। काश कुछ देर और संघर्ष करता तो दोनों की जान बच सकती थी। दोस्तों, जिंदगी में हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। परेशानियां हर इंसान की जिंदगी में आती है और कई बार तो हमारे सामने इतनी अधिक कठिन परिस्थिति होती है जिनसे बाहर निकलना हमें असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन यकीन मानिए, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, यदि आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो कोई ना कोई हल जरूर निकल सकता है। और दोस्तों, इसीलिए कठिन से कठिन परिस्थिति में आपको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको कभी उससे हार नहीं माननी चाहिए। लगातार लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, एक ना एक बार आप उसमें सफल जरूर होंगे। तो ये थी एक छोटी सी लघु कथा जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।